हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबले की, जो खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में लंदन के कैनिंगटन ओवल स्टेडियम के अंदर 5 जून को शाम के 6 बजे से। और इसका लाइव टेलीकास्ट होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं कैनिंगटन ओवल की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इंग्लैंड की सबसे अच्छी बैटिंग पिच माना जाता है कैनिंगटन ओवल को। इस पिच के ऊपर बिल्कुल ग्रास नहीं होती, एकदम सपाट विकेट होता है, बैटिंग के लिए काफी अच्छा होता है। स्टार्टिंग के एक दो ओवर भली बॉलर्स को मदद मिल जाए पर उसके अलावा एक और बैटिंग ट्रैक होता है, तो जो भी टीम टॉस जीती वाले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहेगी। हालांकि यहां पे खेले गए पिछले दोनों मुकाबलों में पहले खेलने वाली टीम जीती और दोनों बार साउथ अफ्रीका थी जो टीम चेस कर रही थी, पर यहां पे चेसना आसान होता है, काफी अच्छा बैटिंग ग्राउंड है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बांग्लादेश की टीम के बारे में, जो कि पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को इसी स्टेडियम में हरा के आ रही है, तो उनके काफी हौसले बुलंद होंगे इस मैच के अंदर और काफी अच्छे कॉन्फिडेंस साथ इस मैच में जाएगी। पिछले मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने बैटिंग भी काफी अच्छी करी, बॉलिंग भी काफी अच्छी करी और फील्डिंग भी काफी अच्छी रही बांग्लादेश की, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को हर पोजीशन में डोमिनेट किया। बैटिंग की बात करूं तो मुश्फिकुर रहीम ने बहुत अच्छी पारी खेली और शाकिब अल हसन ने भी काफी अच्छी पारी खेली, और आखिर के अंदर मुसद्दिक हुसैन ने भी काफी तेज 26 रन बनाए। मुसद्दिक हुसैन को सब्बीर रहमान के ऊपर लिया गया था टीम के अंदर और उन्होंने इस चयन को एकदम सही साबित किया और एक बहुत अच्छी पारी खेल के दिखाई। स्टार्टिंग के अंदर सौम्य सरकार ने भी अच्छी बैटिंग करी, तो काफी अच्छी बैटिंग रही बांग्लादेश की, जहां पर उन्होंने अपने वनडे हिस्ट्री का आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया जो कि था 330 रन। तो बांग्लादेश की बैटिंग काफी जब परफॉर्मेंस किया। बॉलिंग के अंदर उनके सबसे बड़े स्टार है मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 3 काफी बड़े विकेट लिए, तो मुस्तफिजुर रहमान का अच्छा प्रदर्शन जारी है। अभी ट्राई सीरीज जो थी आयरलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ, वहां पे उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और इस मैच में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मेहदी हसन ने भी काफी अच्छी स्पिन बॉलिंग डाली और इकोनॉमिकल भी रहे और एक विकेट भी लिया, तो मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने काफी अच्छा बॉलिंग में संभाला और फील्डिंग भी काफी अच्छी थी बांग्लादेश की टीम की। तो पिछले मैच में कोई चांस नहीं दे रहा था पर इस मैच में उनसे लोग चांस देंगे कि पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है बांग्लादेशी टीम, तो मुझे लगता नहीं है टीम को कोई चेंजेस करने की जरूरत है। काफी अच्छा टीम खेल रही है, टीम को विनिंग मोमेंटम बनाने की जरूरत है और जो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है यही टीम होने वाली है। तमीम इकबाल ओपनिंग करेंगे सौम्य सरकार के साथ में, नंबर 3 पे शाकिब अल हसन, नंबर 4 पे आपके आते हैं मुश्फिकुर रहीम, नंबर 5 पे आपके आते हैं मोहम्मद मिथुन, फिर आपके आते हैं महमूदुल्लाह, फिर मोसद्दिक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, मशरफ़ मुर्तज़ा और मेहदी हसन। मशरफ़ मुर्तज़ा ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी और बहुत अच्छी कैप्टनसी भी करी थी, तो मशरफ़ मुर्तज़ा की कैप्टनसी वापस से लोग ज़रूर से देखना चाहेंगे। तो एक काफ़ी स्टेबल टीम है बांग्लादेश की, काफ़ी अच्छे स्पिन बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर हैं और पिछले मैच में कॉन्फिडेंस को इस मैच में भी ज़रूर लाना चाहेगी बांग्लादेश की टीम। अब मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की टीम के बारे में, वो भी एक तरफा मैच जीत के आ रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ, जहाँ पे उनके बॉलर ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस पहले किया और फिर कॉलिन मनरो और मार्टिन गप्टिल ने एक शानदार पार्टनरशिप करते हुए 10 विकेट से जीत दिलाई और इस तरह से उनकी रन रेट भी काफी हाई हो गई और राउंड रॉबिन फॉर्मेट है तो नेट रन रेट यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाली है, तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा मैच रहा पुराना वाला भी। बॉलिंग के अंदर मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और शानदार परफॉर्मेंस रहा कॉलिन डी ग्रैंडहोम और जिमी नीशम का भी, तो काफी अच्छी बॉलिंग साइड रही न्यूजीलैंड और पिछले मैच उन्होंने श्रीलंका को बहुत ही कम स्कोर पर आउट कर दिया। और बैटिंग के अंदर मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो का फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग समस्या बनी हुई थी और इस मैच में ओपनिंग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो न्यूजीलैंड काफी अच्छी टीम में जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि अपने तीनों के तीनों ऑलराउंडर खिला रहा है, यानी आपके 50 में से 20 ओवर आपके तीन ऑलराउंडर जिमी नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मिचेल सैंडर को मिलकर पूरे करने हैं। यह मुझे थोड़ी सी लगती है मुसीबत, अगर कि मिडिल ऑर्डर में आई बात तो मिडिल ओवर्स के अंदर काफी ज्यादा रन खा सकती है न्यूजीलैंड की टीम, तो यहां देखने बात होगी। पिछले मैच में बॉलर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पर इस मैच के अंदर पिच इतना सपोर्ट नहीं करेगी फास्ट बॉलर्स को, तो यहां पे देखने वाली बात होगी बॉलर्स कैसी बॉलिंग करते हैं। अगर उनको जल्दी विकेट नहीं मिलते हैं तो यहां पे उनके बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर जरूर से मिडिल ओवर्स का फायदा उठा सकता है न्यूजीलैंड की इस कमी का। बाकी न्यूजीलैंड टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड में तीन ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, इसमें बैटिंग भी काफी लंबी होती है और उनको बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है। हालांकि मैं होता तो मैं एक बॉलर खिलाता टीम सऊदी के रूप में, पर मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड चेंज करने वाली है। जब इतनी अच्छी जीत मिली 10 विकेट की, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड में यही लाइनअप के साथ जाएगी, जहां पे ओपनिंग करेंगे कॉलिन मनरो, मार्टिन गप्टिल, नंबर 3 पे केन विलियमसन, नंबर 4 पे रॉस टेलर, नंबर 5 पे आपके आते लेथम, फिर तीन ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिचेल सैंडनर, जे
जेमी नीशम, फिर ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, रॉकी फर्ग्यूसन, तो तीन ऑलराउंडर और तीन जनरल बॉलर्स। इससे आपकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस मैच को जरूर से जीतना चाहिए और चाहिए दो में से दो मैच जीते। आप मुझे ऊपर बोलने बताना क्या आपको लगता है कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। वैसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी टीम है, उनको डार्क हॉर्सेस माना जा रहा है इस टूर्नामेंट का कि कोई उनको तो रेट नहीं करता, बट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। पर बांग्लादेश को अब हम नकार नहीं सकते हैं। पिछले मैच में सब बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीका आसानी से मैच जीत जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बांग्लादेश ने बहुत शानदार टक्कर दी साउथ अफ्रीका को, ऐसे टक्कर नहीं दी, उनको डोमिनेट किया, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। तो एक बहुत अच्छी साइड है बांग्लादेश के पास भी और न्यूजीलैंड के पास भी अच्छी स्क्वाड है। वो चाहेगा कि वो दो में से दो मैच जीत पाए, बांग्लादेश भी चाहेगा कि वो दो में से दो मैच जीत पाए। तो देखने की बात होगी क्या होता है इस मैच के। तो मुझे उम्मीद है ये प्रीव्यू को पसंद जरूर से आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। हमारे बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।